हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं रेस्पिरेशन करते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स बैक्टीरिया में, तो हमको रेस्पिरेशन जो है वो दो तरीक़ों से देखने मिलता है। फर्स्ट इज़ अ एरोबिक एंड सेकेंड इज़ अ अन एरोबिक। तो यहाँ पर नाम से क्लियर है, एरोबिक में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड अन एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कि हमको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में स्टूडेंट्स हमको जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने को नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी देखने को मिलती है। इस वजह से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का जो काम है वो परफॉर्म करता है मेसोसोम्स, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताए थे एंड मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे बैक्टीरिया में, तो हमने आपको दिखाया था कि मेसोसोम्स क्या होते हैं। ओके, वो सेल मेम्ब्रेन में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम्स। एंड यही मेसोसोम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कमी में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जब रेस्पिरेशन होता है तो इस रेस्पिरेशन की वजह से वहाँ पर एनर्जी लिब्रेट होती है, एनर्जी निकलती है जो कि यूटिलाइज होती है बहुत सारे इम्पोर्टेंट वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में जो कि बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ओवरऑल स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, उस एक्टिविटीज़ के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड उसको ये एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को फिर से क्लासीफाई किया गया है इन फोर कैटेगरीज में। तो चलिए देखते हैं ये चार टाइप्स क्या हैं। वेरी फर्स्ट इज़ अ ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकेंड इज अ फैकल्टेटिव एरोब्स, थर्ड इज अ ऑब्लिगेट अन एरोब्स एंड फोर्थ इज अ फैकल्टेटिव अन एरोब्स। चलिए इनको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनका नाम एरोब्स आपको दिख ही रहा है। तो बेसिकली अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करना चाहता है तो ग्रोथ के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तब ही ये रेस्पिरेशन कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें नाम आता है सबसे पहला बेसिलस सब्टिलिस। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप है दैट इज़ फैकल्टेटिव एरोब्स। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली वो अन एरोब्स होते हैं। अन एरोब्स का मतलब है कि वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में रह सकते हैं। ओके, बट हाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस जब उनके सामने आती है तो वो एरोब्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, तो वो है उनमें से एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एरोब आया है, पर बेसिकली इस टाइप के बैक्टीरिया आपको अन एरोब्स यानी कि उल्टे देखने मिलते हैं हमेशा फैकल्टेटिव के केस में, ये आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है ऑब्लिगेट अन एरोब्स। अन एरोब्स का मतलब है कि जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी अपने आप को सर्वाइव रख सके। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम्प्लीटली अन एरोब्स होते हैं। कम्प्लीटली अन एरोब्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस टाइप के बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है क्लोस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट टाइप इज फैकल्टेटिव अन एरोब्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो फैकल्टेटिव अन एरोब्स होते हैं, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली एरोब्स होते हैं। ओके, बेसिकली कैसे होते हैं, एरोब्स होते हैं, ना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड उनके अंदर ये बैक्टीरिया अन एरोब्स भी हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। इनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।